आर्ट रिव्यू के लिए जिन्होंने मुझे सबसे पहले अपने ड्राइंग भेजे हुए हैं अभिषेक झा, और इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का ड्राइंग बनाया है और इनके यूट्यूब चैनल का नाम वेरिएंट आर्ट है। और इसके बाद जिन्होंने मुझे ड्राइंग भेजे हुए हैं जय बोस ड्राइंग लवर, और इन्होंने इस ड्राइंग को भेजा है जो कि रश्मिका मंडना का है। उसके बाद आर्ट अड्डा ने मुझे भेजा है और ये विराट कोहली का ड्राइंग है। और इनके यूट्यूब चैनल का नाम भी आर्ट अड्डा है। इसके बाद जिन्होंने मुझे भेजा है उनका नाम है प्रशांत गुप्ता आर्ट, और इन्होंने इस प्रकार के ड्राइंग को भेजा है और इसमें सबसे अच्छा मुझे विराट कोहली का लगा जो कि शेडिंग में भी अच्छा है और एक्यूरेट भी बना है। उसके बाद मुझे भेजा है यश कुंभेटे ने, और इसे तो आप जानते होंगे, ये थानोस का ड्राइंग है। और इसके बाद जिन्होंने मुझे भेजा है वे हैं लोहिया आर्ट, इन्होंने बजरंगबली का बहुत ही अच्छा ड्राइंग भेजा है और कलर पेंसिल से है, बहुत अच्छा लगा ये ड्राइंग मुझे। और इनके यूट्यूब चैनल का नाम भी लोहिया आर्ट है जिसमें इन्होंने बहुत सी वीडियो भी अपलोड किए हैं। इसके बाद जिन्होंने मुझे ड्राइंग भेजे हुए हैं स्वप्निल नवलाखे, और इन्होंने मदर टेरेसा का ड्राइंग भेजा है जो कि बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। और इसके बाद जिन्होंने मुझे भेजे हुए हैं गुलशन आर्ट, और इन्होंने एक महिला का चित्र बना भेजा है जिसको सौरभ जोशी ने भी बनाया था, और इनके यूट्यूब चैनल का नाम भी गुलशन आर्ट है। इसके बाद जिन्होंने मुझे भेजे हुए हैं सूरज भास्कर, और इन्होंने इस ड्राइंग को भेजा है और इन्होंने शेडिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और साथ ही इसमें जो हेयर बनाया है वो भी बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। और इनके यूट्यूब चैनल का नाम सूरज भास्कर आर्ट है, और इन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक ड्राइंग भी बनाए हैं बहुत से, चाहें तो आप इनका चैनल देख सकते हो। इसके बाद जिन्होंने मुझे भेजे हुए हैं धर्मेंद्र आर्ट, और इन्होंने लता मंगेशकर जी का कलर पेंसिल से बनाया है और इसमें फेस बहुत अच्छा लग रहा है, बट आपको हेयर में थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। और इनके यूट्यूब चैनल का नाम भी धर्मेंद्र आर्ट है। इसके बाद श्वेता सोनकर ने भेजा है जो कि हमारे बापू यानी महात्मा गांधी जी का ड्राइंग है, और आपको थोड़ा बहुत आउटलाइन में और सुधार करनी होगी। इसके बाद पॉल भंडारी ने भेजा है जो कि एक जोकर का चित्र है। और इनके यूट्यूब चैनल का नाम प्राजोल आर्ट है। इसके बाद जिन्होंने मुझे अपना ड्राइंग भेजे हुए हैं लक्ष्य भटोदरा, और इन्होंने इस ड्राइंग को भेजा है इसके बाद जस्सी आर्ट गैलरी ने मुझे भेजा है, और उन्होंने इस क्यूट्स बेबी को भेजा है। इसके बाद भरत चावला ने मुझे भेजा है, और ये एक कार्टून का चित्र है। इसके बाद सागर दरकार ने भेजा है, और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का ड्राइंग भेजा है, और इनके यूट्यूब चैनल का नाम ड्रा विद डॉक्टर सागर है, और इन्होंने वाटर कलर में बहुत से अच्छी ड्राइंग बनाई है नेचर का, जिसे आप विजिट कर सकते हैं इनके चैनल पर, ड्रा विद डॉक्टर सागर चैनल का नाम। और इसके बाद मुझे अभिषेक ने भेजा है जिन्होंने एक बच्चे का ड्राइंग भेजा है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद अनुज स्केच आर्ट ने भेजा है अनुज कुमार ने, और इन्होंने इस ड्राइंग को भेजा है विराट कोहली के। और इसके बाद भावनी राठौड़ ने इस ड्राइंग को भेजा है, और
ये लगता है ऑयल पेंट से बनाया हुआ है और ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। इसके बाद रितु संजय पंडित ने इस ड्राइंग को भेजा है और ये शायद रणवीर कपूर का लग रहा है। और इनके यूट्यूब चैनल का नाम त्रिशा शर्मा आर्ट है। इसके बाद मनु कुमार दास ने भेजा है और इन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भेजा है। आपको आउटलाइन में कुछ सुधार करनी होगी। और इसके बाद समीर चौधरी आर्ट ने मुझे भेजा है और इन्होंने मदर टेरेसा का ड्राइंग बना भेजा है। और इनके यूट्यूब चैनल का नाम भी समीर चौधरी आर्ट है और इनके सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा हो चुके हैं। इसके बाद गजनन कामले अनिकेत कामले ने मुझे भेजा है और जो कि गजनन कामले का भाई है और इन्होंने गजनन कामले के आईडी से ही मुझे भेजा है। उसके बाद कृष्णमूर्ति ने मुझे भेजा है और ये अमिताभ बच्चन का ड्राइंग है। इसके बाद जिन्होंने मुझे भेजे हुए हैं आयुष्मान देश सरकार और इन्होंने थैनोस का ड्राइंग भेजा है और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें काम किया है। डिटेल वर्क है और बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है ये। और इसके बाद शुभ ने भेजा है और इन्होंने इस बुजुर्ग की फ़ोटो को भेजा है। और इसके बाद विवेक कुमार ने मुझे भेजा है और इन्होंने इस थैनोस के चित्र को भेजा है। इन्होंने भी डिटेल वर्क किया है। और इसके बाद हिमांशु एंड शैली राव ने मुझे भेजा है और इन्होंने पेन से ड्राइंग बना भेजा है और ये शिवाजी महाराज का चित्र है और इन्होंने क्रॉस हैचिंग के द्वारा इस ड्राइंग को बनाया है और इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया इसमें। इसके बाद RBD आर्टिस्ट ने मुझे भेजा है और इन्होंने ऋतिक रोशन के चित्र को बना भेजा है और ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। इन्होंने इसमें बहुत डिटेल वर्क किए हैं और इन्होंने शेडिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है और हेयर भी रियलिस्टिक लग रहा है इसमें। उसके बाद देवजीत ऋषि आर्ट ने मुझे भेजा है और ये काजल अग्रवाल का है। इन्होंने भी अच्छे वर्क किए हैं इसमें और इनके यूट्यूब चैनल का नाम भी देवजीत ऋषि आर्ट है और इन्होंने वाटर कलर से भी कुछ ड्राइंग बनाए हैं। इसके बाद दीपक आर्ट ने मुझे भेजा है और ये एक बच्चे का चित्र है। इसके बाद जिन्होंने मुझे भेजा है वे हैं अक्षिता और इन्होंने जूते का चित्र बनाकर भेजा है। अक्षिता ने एक और ड्राइंग भेजा है और ये है हार्स का। इन्होंने इसे पेन से बनाया है और इन्होंने इसे डिटेल वर्क के साथ बनाया है और बहुत अच्छा लग रही है। इसके बाद जिन्होंने मुझे भेजे हुए हैं और इसके बाद जिन्होंने मुझे भेजे हुए हैं आर्ट स्केच इनकरेजमेंट और इन्होंने इस ड्राइंग को भेजा है। और इसके बाद जिन्होंने मुझे भेजे हुए हैं और इसके बाद जिन्होंने मुझे ड्राइंग भेजे हुए हैं संकल्प चौरसिया आर्ट और इन्होंने शेडिंग को बहुत ही स्मूथ किया है। ऋषि कपूर का ड्राइंग है। और इसके बाद विभा स्मैटी ने मुझे ड्राइंग भेजा है और इन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक ड्राइंग बना भेजा है और इन्होंने इसमें बहुत ही डिटेल वर्क किए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है इनका ड्राइंग। धोनी का चित्र है। और इसके बाद मिस्टर बलराम ने मुझे भेजा है और BS आर्ट नाम से है ये और इन्होंने जन्नत जुबैर का कलर पेंसिल से ड्राइंग बनाया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि इसे हाथ से नहीं बनाया गया बल्कि इसे प्रिंट आउट किया गया है और इन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक ड्राइंग बनाया है
और इनके यूट्यूब चैनल का नाम BS आर्ट है। आप चाहें तो इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। इन्होंने और भी बहुत सी वीडियो अपलोड की हैं। और इसके बाद जिन्होंने मुझे भेजा है आदित्य पेंटिंग। और इसके बाद जिन्होंने मुझे भेजा है वे हैं ओवर पावर्ड। और इन्होंने इस ड्राइंग को भेजा है और ये रणवीर सिंह का है। इसके बाद दीपक साहू ने मुझे भेजा है और ये ध्वनिक चित्र है। और शायद इन्होंने ओनली HB पेंसिल का ही यूज किया है इसमें। इसके बाद पंकज दुर्गा ने मुझे इस ड्राइंग को बना के भेजा है और ये एक कपल का ड्राइंग है और इसका ओरिजिनल कुछ ऐसा है। इसके बाद लावेटो आर्ट ने भेजा है, लावेटो 7 आर्ट, इन्होंने इस ड्राइंग को भेजा है। और इसके बाद जिन्होंने मुझे ड्राइंग भेजा हुए हैं चिराग सोचिद्रा और इन्होंने इस ड्राइंग को बहुत ही डिटेल वर्क साथ बनाया है। और इसमें आप देख सकते हैं इनके डिटेलिंग को, गहने में बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बनाया है। और इसके बाद जिन्होंने मुझे अपना ड्राइंग भेजा है वे हैं तेज राम निषाद और इन्होंने इन तीनों ड्राइंग को भेजा है। और इनमें सबसे अच्छी मुझे जो लगी हुए हैं थॉर का ड्राइंग, जो कि बहुत ही रियल लग रहा है। और इसके बाद जिन्होंने भेजे हुए हैं रिक्की आर्ट, इन्होंने अक्षय कुमार का ड्राइंग भेजा है। और इसके बाद रेखा आर्ट ने इस क्यूट से कृष्णा के ड्राइंग को भेजा है। और इसके बाद जिन्होंने अपने चैनल का लिंक भेजा है वे हैं रेहान आर्ट और इन्होंने कुछ अच्छे अच्छे ड्राइंग भी बनाई हैं। और इनमें सबसे अच्छा मुझे जो लगा वो है महात्मा गांधी का ये क्रिएटिव पेंटिंग और इसको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। और इसके बाद महेश तांगर आर्ट ने मुझे इस अपने लिंक को भेजा है और इन्होंने कुछ और ड्राइंग भी बनाए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इनका 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुका है। इसके बाद दिस इस टिंकू ने मुझे इस ड्राइंग को भेजा है और इसमें कलर पेंसिल से इन्होंने टी शर्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। उसके बाद आयुष अग्निहोत्री ने इस ड्राइंग को भेजा है और इन्होंने इसे भी अच्छे तरीके से बनाया है। उसके बाद विकास कुमार ने इस ड्राइंग को भेजा है और ये डेडपूल का चित्र है। इसके बाद प्रियांशु वर्मा ने इस ड्राइंग को भेजा है। इसके बाद सुकुमार मुखर्जी ने इस ड्राइंग को भेजा है। इसके बाद शिवाजी के इस ड्राइंग को नागेश अशोक मराठे ने भेजा है और ये भी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद जिन्होंने भेजा है वे हैं IM राहुल SR के और इन्होंने शाहरुख खान के इस ड्राइंग को भेजा है और इन्होंने और ये शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन भी हैं। इसके बाद साहा नवी ने भेजा है। और इसके बाद विनय साहनी ने भेजा है। और इसके बाद ऋतुराज ने भेजा है। इसके बाद IM प्रिंस ने भेजा है और ये शंकर भगवान का चित्र है। और इसके बाद रॉक्स राकेश ने भेजा है क्यूट सी बेबी को कलर पेंसिल से ड्राइंग बना के, इन्होंने अच्छे से कलर किया है और फ्रॉक में भी अच्छा डिटेलिंग वर्क है। उसके बाद मानव आर्ट यानी कि मानसिंह ध्रुव ने इस ड्राइंग को भेजा है
और इन्होंने छत्तीसगढ़ के कॉमेडी किंग अमलेश नागेश का भी ड्राइंग बना के भेजा है। इसके बाद महेन निषाद आर्ट ने इस ड्राइंग को भेजा है। इन्होंने बहुत ही डिटेल वर्क किए हैं और इनका ड्राइंग मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही इनके यूट्यूब चैनल का नाम भी महेंद्र निषाद आर्ट है और ये मेरा फ्रेंड भी है। और इसके बाद जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भेजे हुए हैं बिलाल हुसैन, और इनके चैनल का नाम भी बिलाल हुसैन आर्ट है। और इन्होंने कुछ अच्छी अच्छी ड्राइंग भी बनाई हैं और इनमें सबसे अच्छा मुझे जो लगा वो है थैनोस का ड्राइंग, जिसे आप देख सकते हैं। और इन्होंने इसमें बहुत ही डिटेल वर्क किए हैं। और इसके बाद जिन्होंने मुझे ड्राइंग भेजे हुए हैं विक्रांत, और इन्होंने कुछ ड्राइंग बना के भेजी है वाटर कलर से भी और कलर पेंसिल से भी। और ये कलर पेंसिल से इन्होंने रश्मिका मुंडेना का बना के भेजा है और लाल बहादुर शास्त्री का चारकोल पेंसिल से। और इसके साथ ही ये वाटर कलर में भी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। उसके बाद जिन्होंने भेजे हुए हैं दिव्यस आर्ट, और इन्होंने महात्मा गांधी की इस ड्राइंग कलरफुल ड्राइंग को बना के भेजा है। और इसके बाद आर्टिस्ट उदित श्रीवास्तव ने इस ड्राइंग को भेजा है। और इनके यूट्यूब चैनल का नाम भी आर्टिस्ट उदित श्रीवास्तव है। इसके बाद प्रकाश आर्ट ने इस ड्राइंग को भेजा है, जो कि साउथ एक्ट्रेस अनुपमा का है और इसको इन्होंने कलर पेंसिल से बनाया है। इसके बाद जिन्होंने मुझे टैग किया है वे हैं हर्षित आर्ट, और इन्होंने यालगार का बनाया है जो कि अजनगर का है। और इसके बाद आर्टिस्ट कैस्टल ने इस ड्राइंग को बना के भेजा है। और इसके बाद आकाश कूटज ने इस ड्राइंग को बना के भेजा है, और यह टाइगर श्रॉफ का है जिसे मैं अभी बना रहा हूँ। और इस मैं कुछ दिनों बाद इसका वीडियो भी डाल दूँगा, उसको इन्होंने भी बनाया है। इन्होंने अच्छे से शेडिंग भी किया है। और इसके बाद जिन्होंने मुझे भेजे हुए हैं मृदु आर्ट कूरज, और इन्होंने हार्स की इस ड्राइंग को बना के भेजा है। इन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने की कोशिश की है। उसके बाद जिन्होंने भेजे हुए हैं आर्टिस्ट वासुदेव सुपिया, इन्होंने इस ड्राइंग को बना के भेजा है। ये कैरी मिनाटी का है, यानी अजय नागर का। उसके बाद जिन्होंने भेजे हुए हैं सुंदर आर्ट, और इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस ड्राइंग को बना के भेजा है और इसमें हेयर बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। और इसके बाद आदि शेष ने इस संजय दत्त के ड्राइंग को बना के भेजा है। और उपिंदर शरण ने केवल पेन से ड्राइंग बनाया है और ये एक जोकर का ड्राइंग है। उसके बाद सतविंदर संगर ने इस ड्राइंग को बना के भेजा है।